नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इस अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टडी करंट इज बैंड इन टू अ सर्कुलर लूप ऑफ वन टर्न द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी सवाल है इट इज देन बेंड इंटू अ सर्कुलर लूप ऑफ एन टर्स सवाल हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द बी हमारे ऑप्शन है एन टाइम्स बी या फिर एन स्क्वायर बी या फिर टू एन बी या फिर टू एन स्क्वायर बी नाउ बहुत सिंपल सवाल है लोगों ने इसका आंसर याद कर रखा होता है पर एट द सेम टाइम एक बार ये सीख लेते हैं कि इसका आंसर आया कैसे अ right. uh, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए आपकी एक कॉयल है uh, ये आपकी वायर है जिसका रेडियस आर है इसके अंदर आपने करंट आई यहाँ पे वो कर रखा है तो आई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सो बी की जो यहाँ पे वैल्यू होएगी उसको हम लिखेंगे म्यू नॉट आई मल्टीप्लाइड बाई टू पाई डिवाइडेड बाय फोर पाई आर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू आर ये आपकी 2 टू पाए से फोर पाए कैंसिल हो जाएगा तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई नाउ हमने क्या किया इसी वायर को ऐसे हमने ऐसे करके ऐसे करके एक छोटा आर रेडियस के उसमें जिसमें आपके एन लूप्स हैं उसमें हमें बेंड किया है अब यहाँ पे जो बी की वैल्यू आएगी लेट्स कॉल इट बी डैश या बी वन और बी टू कह लेते हैं आ, हमें बताना है ब, बी टू जो है वो कितना हो जाएगा बी वन के टर्म्स में नाउ इस सिचुएशन को समझते हैं है ये सिचुएशन सिनेरियो ये है कि ये मान लीजिए आपकी वायर है इस वायर को पहले हमने क्या किया है कि एक लूप में ऐसे बैंड किया तो इसके केस में मैग्नेटिक फील्ड आपकी म्यूनोटाइबाई टू आर आ गई नाव इस केस में हमने क्या किया अब इसको हमने ऐसे बैंड किया है तो नाव अब आप इसको देख सकते हैं इस पर हमने दो आ, दो लूप बना दिए हैं इसी को और बैंड करें तो अब ये आपका तीन लूप बन गया सिमिलरली हमने इसको और बैंड करके और बैंड करके एन नंबर ऑफ़ लूप्स बना दिया मे बी आई कैन शो यू एन नंबर ऑफ़ लूप्स तो ये जैसे वायर है ये वायर का गुच्छा है इसमें एन नंबर ऑफ लूप्स बना दिए तो एक लूप वर्सेज एन लूप्स की यहाँ बात हो रही है ठीक है सो so, जब हमने एन लूप्स बनाए हैं इस केस में हमें देखने की ज़रूरत है आर और आर का क्या रेशो रहेगा Uh, बाकी uh, आई आपका सेम है म्यूनोट सेम है टू uh, वही सब तो कॉन्सटेंट्स हैं तो आर के दोनों के रेशियो का फर्क यहाँ पे आपको दिख जाएगा सो so, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर इसका रेडियस आर है तो इसका पैरामीटर पहले था टू पाई आर या सर्कम अब वो हो जाएगा एन टाइम्स आपका टू बाई स्मॉल आर सो so, इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी या जो आपका रेडियस हो जाएगा सो so, आर स्मॉल आर विल बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एन तो ये आपका आर यहाँ पे आ जाएगा तो so, यहाँ पे जो बी टू आएगा ड्यू टू वन लूप ड्यू टू वन लूप सो आपका बी टू जो होगा वो हो जाएगा म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई टू स्मॉल आर इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू आर बाय एन ये हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी टू विल equal इक्वल टू एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू आर ये फाइनल आंसर नहीं है ये आपका एक लूप की वजह से आया है ऐसे यहाँ पे एन लूप्स हैं सो so, यहाँ पे जो आपकी बी टू की एक्चुअली वैल्यू होगी उसको हम एन से और मल्टीप्लाई करेंगे सो so, आपका फाइनली बी टू जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर बी ये म्यू नॉट आई टू आर ये सेम वो है सो so, उस वजह से यहाँ पे एन स्क्वायर टाइम्स बी हो जाएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी एन स्क्वायर बी वुड बी द राइट आंसर